इनकलाब बच चुका है। देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकल चुकी हैं सड़कों पर, जो कि वीसी ऑफिस के पास गर्ल्स स्टूडेंट का हॉस्टल जो है स्पेशली वो निकल चुकी हैं बाहर, और अब सड़कों पर निकल कर ये NRC और कैब का विरोध शुरू होने लगा। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स, जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार चीज़ें, आप देख सकते हैं इतना भीड़, इतनी जन सैलाब, स्पेशली आप ये आर पार की लड़ाई जो लड़ने के लिए स्पेशली हर वो जेंडर, हर वो कौम, हर वो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़ाई लिख, अब गर्ल्स स्टूडेंट्स बाहर निकल चुकी है। तो इसी बीच बारिश हो गई है, तो उसके बावजूद भी यहाँ प्रोटेस्ट लगातार शुरू है, बारिश हो रही है लेकिन इसमें बीच में रैली स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं। तो आप सुनिए देखिए क्या लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। आजादी, हम सिंह करेंगे आजादी।
आगे जाओ, इसमें से निकलो, निकलो जल्दी, जाओ जाओ बाइक आगे निकाल लो, कॉलेज में आ दी, हां जाओ कब आजादी 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 सत्य रहेंगे आजादी, चलो चलो किनारे आजादी, नरसिंह से भी आजादी, ये कैब से आजादी, ये कैब भी नहीं सहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये कैब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो जामिया मेट्रो है उसके नजदीक पहुंचकर पूरा यहाँ पर इनकलाब जो बरपा है स्टूडेंटों का, आप देख सकते हैं स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स का ये जो कॉल है, जन सैलाब निकल चुका है, सीधा तस्वीर इस वक्त जामिया मिल इस्लामिया के गर्ल्स हॉस्टल अब इस वक्त जामिया मेट्रो के पास पहुंच चुके हैं और सीधे ये आगे अब जाएंगे 7 नंबर गेट और जम्मू एंड कश्मीर गेट्स की तरह हॉस्टल की तरफ, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकलाब जो कि लगातार जो चीज़ें आप देख सकते हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, हम सब जिंदाबाद, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, ये कैब वैब नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, कैब वैब नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, एनआरसी भी नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, मुसलमानों पे जुमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, मुसलमानों पे जुमला नहीं। तो जैसा कि अभी मैं दिखा रहा हूँ ये इनकलाब जो बरपा, ये जो देख सकते हैं कितना लड़कियों लोग का स्पेशली जामिया हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर सड़कों पर निकल कर इनकलाब बरपाई हुई है। तो मैं आपको सीधा तस्वीर दिखा रहा हूँ जामिया वर्ल्ड, आपको सीधा सकते हैं, आगे आगे जो लड़कियां चल रही हैं, पीछे पीछे यहां पर जो बॉयज हॉस्टल है उनका भी इनकलाब आप देख सकते हैं, लगातार यहां पर इनकलाब जो देख रहे हैं किस तरह से यहां पर वो भी सपोर्ट में उतरे हैं, गर्ल्स हॉस्टल स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे जामिया का काबिले अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर सदाब के लीडिंग में यहां पर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं स्टूडेंट को गार्डिंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो सड़कों पर उतर चुका है और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सामने जो आप सामने देख रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल जा रही हैं और यहाँ पर बॉय स्टूडेंट्स धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं सपोर्ट में साथ एक दूसरे का, तो आप देख सकते हैं लगातार ये सड़कों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, अब ये आर पार की लड़की आर पार की लड़ाई हो चुकी है, स्पेशली गर्ल्स यहाँ पर जस्टिस की नारा लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं लड़का लड़की हो सबको हिस्सा, वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या
हम इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये जो बिल पास हुआ है इसको रोका जाए और हम सबकी सुनवाई हो। आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इसको बिल को पास होने देना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही गलत है। बीजेपी सरकार अब बिल्कुल नहीं चलेगी, बहुत हुआ। तो आप देख सकते हैं लड़कियों के अंदर कितना यहाँ गुस्सा है और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार चीज़ें बढ़ रही आगे और सड़कों पर उतर का प्रदर्शन हो रहा है और ये VC ऑफिस के सामने से आगे निकलते हुए स्टूडेंट से बढ़ते हैं और लगातार जो कि एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा है। तो आप को मैं दिखा रहा हूँ लगातार चीज़ें जो कि आप देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स जो कि हर कोई लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लड़का हो या लड़की जो कि स्टूडेंट्स इस पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाहर हाल सीधा CIB कैब के लेकर जा प्रदर्शन हो रहा है, आप चीज़ें देख रहे हैं, हर कोई सपोर्ट में उतरा है। स्टूडेंट्स जेंट्स मेल या फीमेल या बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट्स सब कोई एक दूसरे को यहाँ पर सपोर्ट में उतरे हैं। लगातार आप चीज़ें देख रहे हैं, जामिया वर्ल्ड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए जामिया रिजेक्ट ऑल इंडिया NRC एंड कैब। तो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट, तो आप यहाँ पर लड़कियाँ लोग भी प्रोटेस्ट कर रही हैं और सीधा इसके पीछे बॉयज है जो कि चैन हुमन चैन बनाकर काबिल तारीफ में यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आज़ादी के हर तरह से राजा तो इस सड़कों पर अब मामला पूरा आ चुका है, आर पार की लड़ाई। लड़कियां जो कि गर्ल्स स्टूडेंट है आप देख सकते हैं, इतना आपने देखे होंगे इतना आज़ादी आज़ादी की भी नारा और ये सीख आगे मामला बढ़ता हुआ जा रहा है और 7 नंबर और ऐसा चीज़ें देख सकते हैं, चीज़ें लगातार बढ़ रही है और मैं आपको जामिया वर्ल्ड पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हर कोई सपोर्ट में यहाँ पर तहरीर स्क्वायर चौक बन चुका है, यहाँ पर तहरीर स्क्वायर चौक बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तहरीर स्क्वायर चौक बन चुका है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और बहरहाल यहाँ पर हर कोई इस वक्त बहरहाल यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, स्पेशली आगे आगे प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं जामिया इस्लामिया के गर्ल्स स्टूडेंट्स और यहाँ पर तो सुनिए ये बातें यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लगातार जो कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ चीज़ें को कि किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं स्पेशली इस बिल को प्रोटेस्ट और रिजेक्ट कर रही हैं और लगातार प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ तहरीर स्क्वायर बन चुका है। यहाँ पर जो आप चीज़ें देख रही हैं चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर एक आर पार की लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। तो मैं आपको बजाबते लाइव दिखा रहा हूँ जामिया वर्ल्ड पर, लाइव जामिया वर्ल्ड किस तरह से आपको चीज़ें को समझा दिखा रहा है। खास तौर पर यहाँ पर स्टूडेंट जो गर्ल्स बॉयज स्टूडेंट हैं इनके पीछे हैं और गर्ल्स स्टूडेंट आगे आगे चल तो लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, आप चीज़ें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं स्पेशली हम आपको बताना चाहूँगा
सड़कों पर उतर चुकी है गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप बजाबते चीज़ों के आप देख सकते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट सड़कों पर उतरी हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त स्पेशली जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, गर्ल्स स्टूडेंट जो कि सड़कों पर उतर चुकी हैं। आप जाम यहाँ पूरा इस वक्त पूरा रोड पर उतर चुका है, लगातार चीज़ें आप देख रहे हैं। जामिया वाला आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखिए चीज़ें आप देख सकते हैं पूरा इस वक्त स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स तो लगातार आप स्टूडेंट्स जो गर्ल्स जस्टिस के लेकर भी नारा लग रहा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, सड़कों पर उतर चुका है पूरा जामिया, कहा वो गर्ल्स हो या बॉयज स्टूडेंट हो सबको यहाँ पर। बारिश भी हो रही है इस बीच, लेकिन मैं इनसे बात करना चाहूँ तो स्पेशली तैयार नहीं होता है लोग, स्पेशली मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप चीज़ों को। मोबाइल बचा के पानी से भी अच्छा देखते हैं। तो ये सड़कों का जनसैलाब आप देख रहे हैं इस वक्त जामिया वर्ल्ड पर, गर्ल्स स्टूडेंट सड़कों पर उतर चुकी हैं अपनी हक के लिए, अपनी जज्बात के लिए, अपनी जस्टिस के लिए, जो कि आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर इतना आगे आगे जो लड़कियां जो जामिया मिल्लत इस्लामिक गर्ल्स हॉस्टल है आगे चलिए, बीच में पीछे से देख सकते हैं बॉयज स्टूडेंट जो कि पूरा तरह से यहाँ चैन हुमा चैन बना दिया गया है, उसके साथ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप क्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है और आप चीजें देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर, बहुत यहाँ पर जेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं आगे लड़कियाँ चल रही हैं, लोग पूरा जामिया इस वक्त सड़कों पर उठा आज़ादी आज़ादी के नारा लग रहा है। दिखा रहा हूँ कि आप जिस तरह की 8 नंबर गेट पर स्टूडेंट्स पहुँच चुका है स्पेशली, और आगे बढ़ेंगे लोग और यहाँ पर जो और भी गर्ल्स हॉस्टल है उसकी तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लगातार चीज़ें आप देख रही हैं। आप मैं आपको दिखा रहा हूँ जो चीज़ें आप देख रहे हैं सड़कों पर ये बात पहुँच चुका है। बाबा तुम तो लड़कों में चले जाओ, जाओ ना साइड में, ए आराम से रहा, चाप ज़्यादा है मत बनो, मैं तो नहीं जानता तुम्हें कौन हूँ। हाँ अच्छा मिल लेना, बता देना बाद में, मिलना। तो आपको चीज़ें देख सकते हैं लाइव, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर जो स्पेशली जो कि चीज़ें देख रहे हैं आप, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है हर कोई इस वक्त बजाबते यहाँ पर लाइव देख सकते हैं चीज़ें जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सड़कों पर स्टूडेंट्स जो खड़े हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी जज्बात अपनी इमोशन को शेयर करते हुए, फ्लैश लाइट जलाकर बातें कर रहे हैं। आप जो चीज़ें को समझ सकते हैं कि
कितना यहाँ पर एक मतलब बना हुआ है। पुरानी हॉस्टल से खासतौर पर गर्ल्स स्टूडेंट वहाँ से पूरा रोड मार्च करते हुए 7 नंबर गेट होते हुए 8 नंबर की भी गेट होते हुए अब सीधे जम्मू एंड कश्मीर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ आगे स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट आगे बढ़ रही हैं, जहाँ पर वहाँ पर बात रखेंगी लोग। बड़ी ही सैलाब है, देख सकते हैं फ्लैश लाइट जो कि एक नया कंसेप्ट आया है मशाल जुलूस के बिना पर, जो कि मशाल जुलूस नहीं होता है, वहाँ पर फ्लैश लाइट जलाकर प्रोटेस्ट करती है स्पेशली प्रोटेस्टर। तो आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि NRC और कैद के लेकर कितना गुस्सा जन आक्रोश जो सड़कों पर आया है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्पेशली। तो हर तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर आप जो चीज़ें देख रहे हैं आज़ादी की भी नारा लग रहा है, यहाँ पर गुस्सा है समा स्पेशली स्टूडेंट्स जो गर्ल्स स्टूडेंट है जो सड़क कम वक्त होता है जो सड़कों पर आती है। तो आप देख सकते हैं ये पीछे जो बॉय स्टूडेंट है जो लगातार वो भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, बैक सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार आगे जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गर्ल्स स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग हॉस्टल से यहाँ पर अपने प्रोटेस्ट को पूरा करने के लिए। आपसे मिलूंगा, मिलोगे अभी मिलोगे प्रोटेस्ट के बाद। तो आप जैसे कि बात दिखा रहा हूँ चीज़ों को आपको समझ में, जैसे कि आप चीज़ें देख रहे हैं बहुत ही
बड़ी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये NRC और कैब लाकर क्या सरकार जो बताना चाहती है, मैसेज देना चाहती है। तो सड़कों पर उतर कर यहाँ पर मैसेज लगातार बढ़ रहा है, गुस्सा जो चीज़ें बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये फ्लैश लाइटिंग का जो चीज़ें दिख रहे हैं, लगातार चीज़ें बढ़ रही है गुस्सा। जैसे कि प्रोटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ आगे बढ़ता हुआ पहुंचने ही वाली है। तो आप सीधे देख रहे हैं पहुंचने ही वाली है ये जन सैलाब स्टूडेंटों का जम्मू एंड कश्मीर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ पहुंचने वाली है। तो आप सीधे देख रहे हैं सीधे तस्वीर जो कि आप जामिया वर्ल्ड पर देख रहे हैं। सामने जो गर्ल्स हॉस्टल जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर स्टूडेंट्स लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं। चलो चलो भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल जम्मू एंड कश्मीर जो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब आगे हॉस्टल की तरफ गर्ल्स हॉस्टल जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल जो गर्ल्स अंदर जा रहे हैं, जो कि आप जी सामने जो हॉस्टल देख रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल ओनली जो गर्ल्स हॉस्टल गर्ल्स स्टूडेंट जो अंदर जा रही है फिर से बाहर निकल के आएंगी। जो चीज़ें देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड पर आपको देख सकते हैं सीधा तस्वीर आप जामिया वर्ल्ड पर देख रहे हैं। पूरा यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स जो कि सड़कों पर उतर कर जो अलग अलग जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर अंदर जा रही हैं अपनी प्रोटेस्ट जो कि आप देख रहे हैं कि अंदर जाकर अपना जो अपनी और साथी हैं उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें आप तस्वीर देख रहे हैं, जामिया वर्ल्ड आपको पल पल की खबर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आप लगातार जामिया वर्ल्ड पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो कि आप जो ये बिल्डिंग सामने देख रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पर आगे अंदर जा रही है गर्ल्स स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट करने के लिए और फिर से बाहर आएंगी। तो सदा तो यहाँ बॉयज स्टूडेंट जो कि अलग वहाँ पर अभी रुके हैं, जो उनका भी चैन ह्यूमन चैन बनाकर उनको कंट्रोल किया जा रहा है, वो भी साथ में हैं पूरी तरह से प्रोटेस्ट को एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग अब बॉयज जो कि आगे अब बॉयज जो कि अब प्रोटेस्ट वो भी कर रहे हैं सामने जो आप देख रहे हैं। जो चीज़ें जामिया वर्ल्ड आपको मैं दिखा रहा कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिखाने की कि आप देख सकते हैं समझ सकते हैं कि आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड आप तस्वीर देख रहे हैं सीधे तस्वीर आप लगातार आपको जामिया वर्ल्ड दिखाने की कोशिश
जो कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर बॉयज स्टूडेंट अपने आप प्रोटेस्ट जो गर्ल्स के सपोर्ट किए हैं। आप यहाँ पर जन सैलाब जो उमड़ा है लगातार प्रोटेस्ट को सपोर्ट में हैं और लगातार जमे स्टूडेंट सुबह और शाम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं बस खुशी से ये प्रोटेस्ट को दिखा रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बात को आगे पहुँचाइए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर काबिल तारीफ तौर पर जो सिक्योरिटी गार्ड जामिया के हैं वो भी पूरी तरह से ह्यूमन चेन बनाकर यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं भीड़ को। आप दोस्त देख रहे हैं आगे कितना चैन सैलाब सड़कों पर उतर चुका है। स्टूडेंट यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं अपने अपने प्रोटेस्ट जो अलग अलग है। तो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं आपको कोशिश तो आप सुनिए क्या स्टूडेंट कुछ बातें कर रहा है। तो चीजें कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आम और खास हर कोई पर है हमारे साथ, बहुत सारे स्कॉलर से बात कर क्या कहना चाहेंगे ये एनआरसी और पूरा अब लड़ाई सड़कों पर आ चुका है। देखिए सिर्फ बड़ी सिंपल सी बात हमें ये समझना है कि हमारा ये जो विरोध है वो सिर्फ संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है। सिर्फ संविधान बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर उतरे हैं रोड पर। आगे जिस तरह से अभी हर कोई सड़कों पर उतर रहा है, आम हो खास हो लड़का हो लड़की, हर कोई क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी जन सैलाब देखे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट संविधान को बचाने के लिए, ये हमारा अधिकार है, उसी के तहत हम सब ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुनिए यहाँ पर कुछ बातें हो रही है। अच्छा सुनिए एक बात और सुनिए कि हम तमाम जामिया के स्टूडेंट का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, जामिया स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, सारा प्रोग्राम उसी से कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, नारा आप लोग सोच मत कि अभी आप देख रहे हैं आपको हर को न्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं पूरा इस वक्त। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये लड़ाई अब पूरी इस तरह से सड़कों पर उतर चुकी है और यहाँ पर ये बहर आला सीधा तस्वीर रात को अब ये 8-9 बजने वाला है। यहाँ पर प्रोटेस्ट अभी भी लगातार कंटिन्यू जो कि आप देख रहे हैं जामिया हॉल पर, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये कुछ देर तक स्टूडेंट्स जो के अंदर गर्ल्स स्टूडेंट अंदर प्रोटेस्ट कर रही हैं, गर्ल्स
हॉस्टल के अंदर। तो यहाँ पर जो बॉयज स्टूडेंट है यहाँ पर रुके हुए हैं, तो आप सामने जो देख रहे हैं जो बिल्डिंग है जो गर्ल्स स्टूडेंट का है जो अंदर प्रोटेस्ट कर रही हैं, और बाहर जो कि अभी बॉयज स्टूडेंट अभी रुके हुए हैं, अब उसके बाद फिर से आगे प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट अभी यहाँ पर रुका है आगे। तो अभी ये बारिश भी हो रही है और लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो मैं आपके साथ लगातार कोशिश कर रहा हूँ, बारिश हो रही है और प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो आप चीजें समझ सकते हैं कितना क्या कहना चाहेंगे। ये जो बिल लेकर के आया है इसका हम लोग पूरी तरह से खिलाफ कर रहे हैं। आज हम लोग सड़क पर उतरे और यह सिर्फ जामिया ही नहीं, इस समय पूरा देश नरेंद्र मोदी के कैब और मुसलमान विरोधी एजेंडे को लेकर देश पर खड़ा है और पूरा सब देश सड़क पर आ गया। और जब तक ये बिल वापस नहीं लेगा हम लोग सड़क पर ही रहेंगे। बहुत बताया आप, पुरजोश में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहा तो हम एग्जाम छोड़ देंगे, क्योंकि अगर पढ़ेंगे किस लिए पढ़ते हैं? पढ़ते इसलिए हैं कि हम लड़ने के लिए करो पढ़ाई लड़ने को और पढ़ो समाज बदलने को। साथियों तो हम क्या चाहे अछूत से आजादी, वो गांधी वाली आजादी, वो गांधी वाली आजादी, वो प्यारी प्यारी आजादी, वो प्यारी प्यारी आजादी।
तो आजादी आजादी जिस तरह से ये सरकार बिल बना रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को दोहरी नागरिकता और दोहरी शहरियत की बदौलत यहाँ पर समझती है। तो आप चीज़ें को देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर उमड़ा हुआ जन सैलाब और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या आपकी जज्बात है प्रोटेस्ट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो प्रोटेस्ट हो रहा है और ये मतलब कि जो बिल पास हुआ है राज्यसभा और लोकसभा से, इसमें सारे कास्ट के बारे में बात हुआ है, इसमें मुस्लिम को साफ निगलेक्ट कर दिया गया है। तो हम इस प्रोटेस्ट को इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ताकि मुस्लिम का जो नागरिकता से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो मुस्लिम का जो हक है, जो इतने दिन से जो लग रह रहे हैं इंडिया में, भारत में रह रहे हैं, तो उनको उसका हक मिलना चाहिए। तो हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड पर।